शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शिवा होता है जो कि अपने बच्चे चिंटू के साथ मार्केट में सामान ले रहा होता है चिंटू बाजार में बिक रहे खिलौने और चिप्स के पैकेट को देखकर अपने पिता से उनको खरीद कर दिलाने की मांग करने लग जाता है पर शिवा बहाने बनाकर उनको खरीदने से मना कर देता है क्यूँकी उसके पास उतने पैसे नहीं थे की वो उन चीजों को खरीद सके इसके बाद शिवा घर जाता है तो वहाँ हम उसकी बीवी मधु को देखते है जो की घर को संभालने और दूसरों के घरों में जाकर काम करने का काम करती थी तभी हम देखते हैं कि शिवा औरतों के वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके तैयार हो रहा होता है जिसमें कि मधु उसकी मदद कर रही होती है इसके बाद शिवा पूरी तरह से औरत बनकर अपने मोहल्ले से निकल जाता है और कहीं दूर जाकर वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों से पैसे मांगने लग जाता है दरअसल बात ये थी की शिवा मुंबई शहर में आया था एक्टर बनने के लिए पर उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था इसीलिए उसने किन्नर का रूप लेकर ऐसे ही पैसे मांग पैसे कमाने का काम शुरू कर दिया था क्योंकि इतने बड़े शहर में जीने के लिए पैसे होना जरूरी था तो वो घर से औरत बनकर निकलता था लेकिन मोहल्ले वालों को ये पता था कि वो किसी बड़ी फिल्म में एक औरत का किरदार निभा रहा है पर असलियत तो कुछ और ही थी उसकी असलियत कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके मित्र सत्या और उसकी बीवी मधु के आम जिंदगी में उसका नाम शिवा था लेकिन किन्नर का रूप लेने के बाद उसका नाम पार्वती हो जाता था और फिर वो अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ सिग्नल पर तालियां बजाकर और सबको आशीर्वाद देते हुए पैसे मांगने लग जाता था सिर्फ इस काम से उतने पैसे उसके पास नहीं हो पाते थे जिससे उसका गुजारा हो सके क्योंकि उसका एक परिवार भी था इसीलिए वो और भी कई तरह के काम करता था जिससे कि वो और पैसे कमा सके और साथ ही साथ वो हर जगह ऑडिशन देने के लिए भी जाता था यानी कि जो सपना वो लेकर आया था उसको उसने नहीं छोड़ा था और अपने सपने को पूरा करने में लगा पड़ा था पर वो जहाँ भी जाता वहाँ सभी उसे अनफिट या बौना बोलकर भगा देते थे और हर जगह उसे एक ही तरह के ताने सुनने को मिलते थे और ऑडिशन रूम तक भी जाने को नहीं दिया जाता था पूरे दिन पूरे मुंबई शहर के चक्कर काटने के बाद थक हार कर शिवा घर आ जाता है और तब मधु उसे खाना खिलाते वक्त बताती है कि उसके मित्र सत्या की नौकरी लग गई है ये सुनकर शिवा चिंटू को समझाने लगता है की सत्या अंकल पढ़े लिखे थे इसीलिए नौकरी मिल गई इसीलिए तुम्हे भी खूब मन लगा पढ़ना होगा और पढ़ाई सबसे जरूरी है फिर चाहे उसके बाद तुम्हे जो बनना है वो बन जाना इसके बाद शिवा तुरंत सत्या के पास जाता है और उसे नौकरी लगने की बधाई देता है सत्य भी इस नगरी में अपना एक्टर बनने का सपना पूरा करने आया था पर उसे भी कोई चांस न मिलने पर उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया था तो वो शिवा को भी समझाने लगता है कि वो पार्वती बनकर सिग्नल पर धंधा करने के बजाय कोई नौकरी ढूंढ ले तो ज्यादा बेहतर है शिवा कहता है की वो धंधा नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है अब यहाँ से कहानी फ्लैश में जाती है ये बताने के लिए की शिवा को आखिर पार्वती बनने का विचार कैसे आया हम देखते है की शिवा और मधु दोनों अस्पताल में होते हैं और मधु पेट से होती है तो डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं कि इनका ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए चालीस हजार लगेंगे शिवा के पास इतने पैसे तो नहीं थे लेकिन वो मधु को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो कहीं कहीं ना से पैसों का जुगाड़ कर ही लेगा शिवा थिएटर एक्टर भी था और काफी टाइम से एक थिएटर ग्रुप के साथ काम कर रहा था तो वो थिएटर डायरेक्टर के पास जाता है और कुछ पैसों की मांग करता है पर डायरेक्टर उसे पैसे देने के बजाय ये बताते हैं कि अब थिएटर बंद हो रहा है क्योंकि इसे देखने कोई आता ही नहीं है पर तुम हमेशा मेरे फेवरेट एक्टर रहोगे शिवा को जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद थी वो उम्मीद टूट जाती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि अगर पैसे नहीं मिले तो मधु का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा तब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी शिवा उसी औरत के गेटअप में बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है और उसके दिमाग में हजारों बातें चल रही होती है तभी एक लड़का उसे पैसे देकर कहता है की आज मेरा इंटरव्यू है तो मुझे आशीर्वाद दो की मैं सेलेक्ट हो जाऊँ वो सब इतनी जल्दी होता है की उसे समझ नहीं आता कि आखिर लड़के ने उसे पैसे क्यों दिए लेकिन जब वो अपने गेटअप को देखता है तब जाकर उसे यह एहसास होता है कि लड़के ने क्या समझ के उसे पैसे दिए और यही वो पल था जब से वो पार्वती बन का सिग्नल पर पैसे मांगने का काम शुरू कर देता है अब कहानी यहां से प्रेजेंट में आती है जहां शिवा सत्या को बता रहा होता है कि मैं अपने पहले बच्चे को तो नहीं बचा पाया लेकिन माता रानी की कृपा से कुछ पैसे कमाने का जरिया मिल गया शिवा की जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती जा रही थी रोज पार्वती बनकर सिग्नल पर जाना फिर वहां से समय निकाल कर ऑडिशन देना फिर वहाँ सभी उसे जलील करके भगा देते फिर उसके बाद जो भी काम मिले उसे करना और पैसे कमाना बस यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी और हालात बिल्कुल भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे थे पर वो पड़ा था इस उम्मीद में कि किसी एक दिन कोई तो उसकी काबिलियत को पहचानेगा और तब उसकी किस्मत खुलेगी और वो एक स्टार बन पाएगा अब एक दिन शिवा रोड किनारे बैठे अपनी दाढ़ी बनवा रहा होता है कि तभी एक आदमी उससे पूछता है कि आपकी इंडस्ट्री में फिलहाल नेपोटिज्म बहुत चल रहा है इस बात पर शिवा जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब फालतू की बातें हैं ऐसा होता तो हम लोग ने इरफान खान साहब का नाम भी नहीं सुना होता और न ही अक्षय कुमार का न ही सुशांत सिंह राजपूत का और न ही शाहरुख खान का अब हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाता है तो वहाँ बैठे बाकी सभी लोग उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर वहां पर एक लड़की आती है और उसे अनफिट कहकर वहां से भगा देती है और ऑडिशन देने का मौका तक नहीं देती तभी शिवा देखता है की उसकी फोटोज कूड़ेदान में पड़ी हुई है जिसे देख उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो अपनी फोटोज लेकर गुस्से में वहां से निकल जाता है उधर हम देखते हैं कि मधु एक घर में बर्तन मांज रही होती है कि तभी उसकी मालकिन उसके पास आती है और बेवजह ही उल्टा सीधा सुनाकर उसे काम से निकाल देती है ऐसे ही उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था और अब ऐसे काम से निकाल दिए जाने पर मधु को काफी ज्यादा दुख होता है और वो एक जगह बैठ अपने दुख पर रोने लग जाती है शिवा हमेशा से ये चाहता था की उसे एक बड़ी फिल्म मिले जिसमे की वो मेन किरदार में हो पर लाख कोशिशों के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था और निराशा ही हाथ लगी थी इसीलिए अब वो जो भी छोटा मोटा रोल मिले उसे करना शुरू कर देता है और काम जैसा भी हो वो उसे पूरे मन से करने लग जाता है ये सोचकर कि शायद इस छोटे से किरदार को देखकर ही कोई उसे जान ले और तब शायद बड़ा किरदार मिल मिल जाए शिवा की जिंदगी शायद पर ही टिक गई थी कि शायद ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा या शायद ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है पर यह शायद यकीन में बदलने को तैयार ही नहीं था एक दिन हम देखते हैं कि सत्या मोबाइल में रील्स देख रहा होता है तो वो शिवा को भी ऐसे ही रील्स बनाने को कहता है और बताता है कि आजकल ऐसी वीडियोस बनाकर लोग बहुत फेमस हो रहे हैं और कुछ लोग तो इन्हें फिल्म स्टार से भी बड़ा मानते हैं शिवा कहता है कि ये भी क्या कोई एक्टिंग है एक दस बाय दस के कमरे के अंदर मोबाइल लगा दो चार फिल्टर बदल कर कुछ कर देने को एक्टिंग थोड़ी कहते हैं एक डेढ़ किलोमीटर में फैली हुई बड़ी सी यूनिट कैमरा लाइटें और सौ से भी ज्यादा लोग आपको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और और उनके बीच में डायरेक्टर माइक लेके बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहा होता है और दस एक्टर और आपकी जगह पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं दस दस पेज की लाइन याद करनी पड़ती है जिसमे की बड़े बड़े एक्टर्स की फट जाती है गीली हो जाती है उसे एक्टिंग कहते हैं और फिर उसमें से बनता है एक फिल्म स्टार सत्या कहता है की बात तो तुम्हारी सही है लेकिन आजकल लोग फॉलोअर्स देख के काम दे रहे हैं तो जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं उनको काम ज्यादा मिलता है शिवा कहता है कि फॉलोअर्स आज हैं कल नहीं हैं और जैसे बाकी मार्केट होती हैं वैसे मनोरंजन की भी मार्केट होती है कोई सेब बेच रहा है कोई सड़े हुए संतरे बेच रहा है अब निर्भर तुम पर करता है की तुम्हें क्या लेना है एक दिन पार्वती की सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं कि ट्रेन में एक लड़का हमारे जैसा बन के घुस आया था तो हमने उसको खूब मारा और मैले कपड़े की तरह धो दिया ये सुनकर पार्वती यानी शिवा का दिल एकदम रफ्तार पकड़ लेता है और ये सोचने लग जाता है की कहीं उसका राज इनके सामने खुल गया तो वो लोग उसकी क्या हालत करेंगे हम देखते है की शिवा एक जगह पर खड़ा होता है जहाँ एक प्रेमी जोड़ा लड़ रहा होता है क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लाना भूल गया था तभी शिवा के मन में यह ख्याल आता है कि इतने साल हो गए मधु के साथ रहते हुए लेकिन उसने कभी कुछ डिमांड ही नहीं करी और ना ही वो उसे कहीं घुमाने ले गया शिवा तुरंत मधु को घर से लेकर सीधा समुद्र किनारे आ जाता है ताकि वो दोनों समुद्र की लहरों की मधुर आवाज को सुनते हुए एक दूसरे के साथ समय बिता सके और फिर उसके बाद काफी चीजें करते हुए दोनों लोग पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और उस दिन को एकदम यादगार पल बना देते हैं दोनों लोग जब घर वापस आ जाते हैं तो मधु शिवा को बताती है कि चिंटू की स्कूल की फीस जमा करने है तो मैं अब दो चार और घर काम करने जाया करूंगी शिवा कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है मेरे पास पैसे हैं मैं कल जाऊंगा तो फीस देकर आ जाऊंगा पर असलियत तो ये थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे इसीलिए मदद के लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है सत्या कहता है की मेरे सारे पैसे तुम्हारे पैसे है लेकिन चिंटू अब बड़ा हो रहा है तो जरूरतें भी बढ़ेंगी और ऐसे छोटी मोटी एक्टिंग करने से तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा और न ही पार्वती तुम्हारे हमेशा काम आएगी ये एक्टिंग वगैरह सिर्फ अमीरों का काम होता है हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे लेकिन जिंदगी ने पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि सारे सपने टूट गए सत्या की बातों को सुनकर शिवा काम ढूंढने के लिए जाता है पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता तो वो हताश होकर बैठ जाता है तभी उसके पास कास्टिंग डायरेक्टर काबरा का फोन आता है तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है काबरा बताता है कि तुमने जिस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था उसमें सेलेक्ट हो गए हो और तुम्हारा मेन रोल रहने वाला है ये सुनकर शिवा एकदम खुशी के मारे उछलने लग जाता है और उसी खुशी में काबरा का हाथ ही चूम लेता है तभी काबरा के पास एक फोन आता है जो की उसी फिल्म के प्रोड्यूसर का था और उन दोनों में जो बातचीत होती है उससे लग रहा होता है कि कुछ तो बात ठीक नहीं है काबरा शिवा को बताता है कि प्रोड्यूसर ने अपने ही बेटे को फिल्म में कास्ट करने का सोचा है इसलिए तुम अब इस फिल्म से बाहर हो कुछ देर पहले जो शिवा खुशी के मारे नाच रहा था यह सुनने के बाद उसका चेहरा किसी सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाता है और वो विनती करने लगता है की उसे कैसे भी करके फिल्म में ले ले पर काबरा के हाथ में तो कुछ था नहीं तो वो कह देता है की जो प्रोड्यूसर होता है जो पैसा लगाता है उसी के हाथ में सब है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता शिवा अब धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था और अब उसके ख्याल में ये आना शुरू हो गया था कि शायद अब वो कभी भी एक्टर नहीं बन पाएगा और अंदर ही अंदर उसकी हिम्मत टूटने लगी थी पर घर में जो उसके बीवी बच्चे थे उनका गुजारा कराने के लिए सब कुछ काम करने में लगा पड़ा था एक रात शिवा मधु से कह देता है की अब वो एक्टिंग और अपने सपनों को छोड़ रहा है और शायद सत्या सही था की एक्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है गरीब का कुछ नहीं हो सकता अब घर के खर्च बढ़ रहे हैं और मैं तुम्हे कुछ दिला भी नहीं पाता और ऐसे ही कई बातें जो उसके मन में चल रही थी वो कहते हुए एकदम इमोशनल होकर वो रोने लग जाता है मधु उससे कहती है कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मैंने आपको हाँ इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे घर गाड़ी बंगला दिलाएंगे बल्कि इसलिए की थी क्योंकि आप मुझे सच्चे लगते हैं और आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं तो ऐसे हताश मत हुई बप्पा जी सब ठीक कर देंगे अगले दिन शिवा फिर से तैयार होकर बिना मन के पार्वती बनकर सिग्नल पर चला जाता है और उस काम को करने की इच्छा ना होते हुए भी पैसों के लिए उसे कर रहा होता है तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है की बहुत बड़ा डायरेक्टर बैठा हुआ था तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है डायरेक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता तो पार्वती शिवा बनकर कहता है मैं मैं लड़का हूं। और थिएटर का एक्टर हूं। अगर आप मेरा एक बार ऑडिशन ले लेंगे तो मेरा जीवन बन जाएगा पर डायरेक्टर की गाड़ी उस वक्त नहीं रुकती और सिग्नल ग्रीन होते ही वो निकल जाती है शिवा खड़े होकर सोचने लग जाता है कि वो क्या ही बेवकूफी कर रहा था लेकिन तभी डायरेक्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उसे एक पेपर देकर चला जाता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो उनके स्टूडियो आकर ऑडिशन दे सकता है शिवा इस बात से बेहद खुश हो जाता है और खुशी के मारे राह चलते एक लड़के को ही चूम लेता है और इतनी खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं शिवा तुरंत अपने घर जाता है और सभी को ये खुशखबरी बताता है जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से भर जाते हैं अगले दिन शिवा स्टूडियो पहुंच जाता है और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है जिससे कि डायरेक्टर उससे खुश हो जाते हैं और अगली फिल्म में किरदार निभाने के लिए कह देते हैं शिवा का मित्र उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी बात को गलत साबित कर दिया और एकदम बढ़िया एक्टिंग करी और इतना कहकर उसे गले से लगा लेता है तभी पार्वती जो कि रोड किनारे सो रही थी वो जाग जाती है और तब हमें यहाँ पता चलता है कि जो कुछ भी हमने देखा वो बस उसका सपना था वो कोई एक्टर नहीं बना था और ना ही किसी डायरेक्टर से मिला था वो बस उसके कई सारे सपनों में से एक सपना था पार्वती फिर उठ खड़ी होती है और जिस तरह वो रोज अपना काम करती थी वही काम करना शुरू कर देती है शिवा के जो सपने थे वो बस सपने बनकर ही रह जाते हैं और अब वो ज्यादा समय अपने परिवार और उनको खुश रखने में बिताने लग जाता है और इसी अधिक सपनों से भरी शिवा की जिंदगी को दिखाती ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये जो मूवी है वो ये बताती है कि शिवा की ही तरह इस सपनों की नगरी में कई शिवा आते हैं जिनके सपने तो कुछ और बनने के होते हैं लेकिन बन कुछ और जाते हैं ये मूवी उनकी कहानी बताने का काम नहीं करती जो कुछ बन गए हैं बल्कि उनकी कहानी को दिखाती है जो कुछ बनने की चाह लिए अपनी पूरी जिंदगी ही गुजार देते हैं पर उन्हें वो मंजिल नहीं मिल पाती जो वो सोच कर आए थे मुंबई शहर जो की देखने में तो बहुत खूबसूरत सा लगता है लेकिन जब उसकी धरातल में उतरते हैं तब पता चलता है की जो दूर से इतना खूब खूबसूरत था उसकी असली सच्चाई क्या है और जो दूर से दिखता है वो जरूरी नहीं कि पास जाकर भी उतना ही अच्छा हो हर रोज कई लोग इस सपनों की नगरी में अपने सपने सच करने के लिए आते हैं पर हजार में से दो तीन लोग ही होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं लेकिन बाकियों का क्या होता है उन्ही लोगों में से कई लोगों की कहानी हमें ये मूवी बताती है जो सपना शिवा देख रहा था की उसे बड़े डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में ले लिया है तो वहाँ पर फिल्म खत्म की जा सकती थी पर शायद इस फिल्म के डायरेक्टर हमें एक अलग ही पहलू से रूबरू कराना चाहते थे इसीलिए हैप्पी एंडिंग ना करके फिल्म को असलियत से जोड़कर रखते हुए यही दिखाया कि सपने हर किसी के पूरे नहीं होते बल्कि कुछ लोगों को अपने सपने छोड़ने भी पड़ते हैं और अक्सर ऐसी जॉनर की फिल्म में यही दिखाया जाता है की इंसान स्ट्रगल करने के बाद कामयाब हो जाता है जो की मोटिवेशन के लिए अच्छा भी है लेकिन एक फैक्ट ये भी है की जो कामयाब नहीं होते उनकी भी अपनी एक कहानी होती है शिवा भले ही कभी एक्टर नहीं बन पाया लेकिन हर रोज अपनी असल जिंदगी में कई किरदार निभाता था एक बाप का एक पति का एक दोस्त का और पेट पालने के लिए कभी किन्नर तो कभी दिहाड़ी मजदूर और ना जाने कितने किरदार वो निभाते आ रहा था जिस तरह हम शिवा की जिंदगी को देखते हैं वैसे ही हमारी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है जहाँ हम हर किरदार निभा अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यहाँ हमें बताया गया है की कैसे नेपोटिज्म के चलते जिसे काम मिलता है वो भी छिन जाता है पर यहाँ एक बात समझ नहीं आती की हमेशा बॉलीवुड को लेकर नेपोटिज्म वाली बात क्यों उठाई जाती है जबकि नेपोटिज्म तो हमें हर जगह ही देखने को मिलता है कोई भी अगर अपना पैसा किसी काम में लगा रहा होगा तो सबसे पहले वो अपने जानने वाले या अपने ही परिवार में से किसी को उस काम के लिए चुनता है और आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए ये चीजें आपको देखने को मिल ही जाएंगी जहाँ कुछ लोग होते हैं जो अपने ही लोगों को काम में रखना पसंद करते हैं फिर भले उन्हें वो काम आता हो या नहीं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ काम देख ही किसी को काम पर रखते हैं और यही वजह है की हम आज पंकज त्रिपाठी नवाजुद्दीन सिद्दकी जैसे कलाकारों को देख पाते हैं क्योंकि किसी ने तो उनकी काबिलियत को पहचाना ही होगा और तब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई तो नेपोटिज्म तो हमेशा रहने ही वाला है वो कहीं नहीं जाने वाला तो बोयकॉट हैश चलाने के बजाय सपोर्ट रियल टैलेंट का हैश चलाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा क्यूँकी ऋतिक रोशन जैसे भी कई कलाकार है जो की नेपोटिज्म से ही आए हैं पर उनकी एक्टिंग काफी दमदार है वही तुषार कपूर जैसे लोग भी है जिनकी एक्टिंग कुछ खासा पसंद नहीं आई तो अब वो हमें ज्यादा किसी फिल्म में नहीं दिखते तो बस यही सब चीजें हैं कि जो टैलेंटेड होगा वही टिक वर वरना बाकी तो किनारे हो ही जाएंगे यहाँ ये भी बताया गया है कि रियल एक्टिंग होती क्या है आजकल जो 30 सेकंड वाले वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है उसमें तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन जितने लोग उसमें वीडियोस बनाते हैं वो अपने आप को एक्टर समझते हैं और जो लोग इन्हें देखते हैं वो ये समझते हैं की वो एक्टिंग कर रहे हैं पर असलियत ये है की वो एक्टिंग का ए भी नहीं जानते एग्जाम्पल के तौर पर आप कच्चा बदाम वाले गाने से फेमस हुई महिला को ले सकते हैं सबको पता है की वो किस वजह से वायरल हुई थी लेकिन लोगों ने उन्हें इतना वायरल किया कि उन्हें एक रियलिटी शो में आने का मौका तक मिल गया अब ये बात नहीं है कि वो कुछ भी डिजर्व नहीं करती पर बात यहाँ यह है कि कि उनके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट देखने को नहीं मिलता जिससे कि लगे कि हाँ वो किसी रियलिटी शो को डिजर्व करती है पर अफसोस की बात है की आजकल उन्हें ही ज्यादा काम मिल रहा है जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है या कह सकते हैं की फॉलोअर्स देख ही काम मिलता है न की टैलेंट को देख और ये इसलिए होता है क्यूँकी जनता को रियल टैलेंट के बजाय कच्चा बदाम ज्यादा भाता है तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक ऑडियंस अपना टेस्ट नहीं बदलेगी और अगर आप चाहते हैं को चुनना हो असली एक्टिंग की बात करें तो अगर आपको वाकई में एक्टिंग देखनी है तो थिएटर में जाकर देखिए मूवी थिएटर में नहीं बल्कि उस थिएटर में जहाँ असल में लोग परफॉर्म करते हैं जहाँ रिटेक लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती और आपके सामने वो अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करते हैं। तो कभी मौका मिले तो आप थिएटर एक्टिंग देखने जरूर जाइएगा और आपको बता दूं कि जितने भी बड़े कलाकार हैं जैसे कि मनोज बाजपेयी या राजकुमार राव या इरफान खान या शाहरुख खान इन सब जैसे कई कलाकार एक टाइम पे थिएटर आर्टिस्ट ही थे और वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग सीखी है एक्टिंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि राजपाल यादव एक्टिंग के मामले में कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं और हम सभी कई सालों से उन्हें अनेकों किरदार में देख चुके हैं जिसमें कि ज्यादातर वो हमें हंसाते हुए नजर आते हैं और शायद हमने फिल्म में जो स्ट्रगल देखा है वो उनकी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है और देखने पर ये फील होता है की शायद वो अपनी कहानी भी इस फिल्म के जरिए बताना चाह रहे हैं राजपाल यादव ही है जो पूरी फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान डाल देते हैं वरना स्टोरी और बाकी सब सिंपल ही नजर आता है तो अगर आज पाल सर नहीं होते तो मूवी थोड़ी फीकी सी लग सकती थी वहीं रुबीना दिलेक ने जो मधु का रोल निभाया है वो काफी हद तक सही ही था पर अगर शायद किसी ऐसे को लिया जाता जो वाकई में लगे की वो बस्ती में रहने वाला लगता है तो ज्यादा फील हो पाता बाकी जितने भी सह कलाकार है उन सभी ने अपने रोल को सही ही निभाया है अगर आप वाकई में रियल टैलेंट को सपोर्ट करते हैं तो वक्त निकाल कर इस फिल्म को जरूर देखिएगा जो कि आपको Z5 पर देखने को मिल जाएगी वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आजकल हमें तीस सेकेंड की वीडियो में देखने को मिलता है वो क्या वाकई में एक्टिंग है या फिर क्या है वो और जो रियल एक्टर है आप उन्हें करते हैं या नहीं या फिर आप भी कच्चा बदाम के दीवाने हैं अब आप ही डिसाइड करिए कि आप किस तरह की ऑडियंस बनना चाहते हैं कच्चा बदाम वाली या फिर रियल टैलेंट को सपोर्ट करने वाली तो ये था एक्सप्लेनेशन अर्ध मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबा दें जिस से कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टा या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट ऐसी मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते